हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ पंजाबी छोलों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इसके बनाने के लिए मैंने 2 कप यहाँ पर छोले लिए हुए थे। ग्राम्स में आपेंगे तो 250 ग्राम ये छोले थे। तो इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी से वॉश कर लिया था और इसको ओवरनाइट के लिए हम पानी में भिगो कर छोड़ देंगे। पूरी रात भिगोने से छोले बहुत ही ज़्यादा अच्छे सॉफ्ट फूल कर तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हैं इनको मैंने 1 से 2 बार साफ पानी से वॉश कर लिया और इसको कुकर में ऐड कर दिया है। तो इनको मैंने पूरी रात के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। बॉयल करने के लिए 4 से 5 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। तो इसी स्टेज पर हम यहाँ पर कुछ इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसको मैं एक बैग तैयार कर रही हूँ। इसके लिए इसमें 4 से 5 मैंने काली मिर्च ऐड किया, 4 से 5 लौंग इसमें ऐड किया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची इसमें ऐड किया है। कलर के लिए 1 टीस्पून मैंने चाय की पत्ती इसमें ऐड किया है और इसको एक बैग की तरह तैयार कर लेंगे। किसी भी कॉटन के क्लीन कपड़े में आप इसको बांध लें इस तरीके से और इसको हम छोलों में ऐड कर देंगे। इसको आपको टाइटली ही बंद करना होगा। तो हाई फ्लेम पे 2 से 3 विसल इसमें लगा लेंगे और कुछ देर के लिए लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। और मैंने इसमें 4 से 5 विसल लगाई है और छोले को देख सकते हैं आप, हाई फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। तो 4 से 5 विसल लगा ली है मैंने इसमें। तो 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर, जिनको मैंने मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है। तो छोलों को तड़का लगाने के लिए सबसे पहले एक पैन ले लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड किया है। देख सकते हैं छोले बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कुक हो चुके हैं, कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। तो जो हमने इसमें स्पाइसेस बैग तैयार किया था उसको हम अलग निकाल कर रख देंगे और छोलों को हम तड़का लगा लेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक तेज़पत्ता मैंने ऐड किया है, 6 से 7 लौंग ऐड किया, 6 से 7 ही मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है, 1 बड़ी इलायची मैंने इसमें ऐड की है, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड किया है, 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर देंगे, हींग का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड किया है। और सभी स्पाइसेस को हम एक ही साथ यहाँ पर फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक इनको फ्राई करना है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड किया है, 1 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड किया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। सभी स्पाइसेस को हम लो फ्लेम पे कुछ देर के लिए भून लेंगे इनको, तब तक इनका कलर इनका हल्का सा चेंज हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तब तक इनको भूनना होगा मसालों को। फ्लेम को लो ही रखेंगे और आप देख सकते हैं मसाले का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। 2 स्लाइस किया हुआ हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे तो मसाले में से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू आने लगी है। तो मैंने टमाटर की प्यूरी भी इसमें ऐड कर दी है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। स्लाइस किया हुआ अदरक ऐड किया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं मसाला भुन चुका है और मैंने इसमें 1/2 कप पानी ऐड किया है। तो कुछ देर के लिए मसाले को पानी ऐड करने के बाद भी भून लेंगे। बॉईल किए हुए छोले इसमें ऐड कर देंगे। तो 1/2 छोलों को मैं हल्का सा इस पैचुला से क्रस्ट कर लूँगी, जिससे ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो इस पैचुला से हल्का सा इनको हम मैश कर लेंगे। बाकी बच्चों छोलों को भी इसमें ऐड कर देंगे और इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, बट इसको थोड़ा सा पानी इसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 से 1.5 कप मैंने इसमें और पानी ऐड किया है और नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, बट इतना नमक इसके लिए सफिशिएंट है क्योंकि नमक हमने छोलों को बॉईल करने में भी ऐड किया था। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे और कुछ देर के लिए हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे। और आप देख सकते हैं छोलों की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, बिल्कुल बढ़िया पककर ये तैयार हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें खड़े मसालों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। इनको मैंने हाई कर दिया है, कुछ देर के लिए इनको हाई फ्लेम पे पका लेंगे। तो कुछ देर के लिए आप इसको कवर करके ज़रूर पकाएं, जिससे इसमें सारे स्पाइसेस का फ्लेवर काफ़ी
इन्हेंस होगा। और मैंने इसमें एक स्लाइस किया वो हरी मिर्च ऊपर से और ऐड किया है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट ये बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है गाई छोलों में, तो इनको हम प्लेटिंग कर लेते हैं। और आप देख ही सकते हैं छोलों का कलर कितना ज़्यादा अमेजिंग आया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं ये। तो आप इसे पराठे, पूरी, फुलके या फिर आप भटूरे के साथ इसको खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। राइस के साथ भी ये छोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो छोलों को हमने डिश आउट कर लिया है, और आप देख सकते हैं इसको मैंने अनियन के साथ गार्निश किया है, और मैंने इसके साथ तो मैंने 1 टीस्पून देसी घी में थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च को पकाकर इसमें मैंने ऐड किया है, जिससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और देख सकते हैं आप छोले बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। और गाइस यकीन मानिए ये छोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू इनमें आ रही है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। मैंने आज आपके साथ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर की है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। मेरी रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।